अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ ज़ुहैब मंजूर। आज आपकी ख़िदमत में माँ की शान के मुताल्लिक एक मुख्तसर सा वाक़या लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो सुनकर आपकी आँख आप दीदा हुए बग़ैर रह नहीं पाएगी। तो बिना देर की आपकी ख़िदमत में वो वाक़या अर्ज़ करने से पहले कुछ बातें आपकी ख़िदमत में पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, माँ इस दुनिया की ऐसी हस्ती है, ऐसी मुखलिस हस्ती है, ऐसी अजमतों वाली, ऐसी रफ़तों वाली हस्ती है कि मेरे महबूब ने इसके बारे में फरमाया था, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। इसका यह मतलब नहीं कि जन्नत पूरी की पूरी चल के आप जाके माँ के कदम उठा के देखें कि नीचे जन्नत रखी हुई है, नहीं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। मेरे महबूब ने माँ की अजमत समझाने के लिए ये बात कही है, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मतलब के माँ की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर था, तो एक शख्स आके कहने लगा कि हुजूर एक बात पूछनी है। तो हज़रत उमर ने कहा कि पूछो। तो वो कहने लगा कि हुजूर मेरी माँ बड़ी बूढ़ी हो गई है, वो मुझे आवाज़ देती है कि बेटा दौड़ के आना, मैंने पेशाब करना है। तो मैं भाग के जाता हूँ, तो मैं अपनी माँ को जब पेशाब करने के लिए कंधों पे उठाता हूँ तो मैं बाथरूम तक पहुँचता नहीं कि मेरी माँ मुझ पर पहले से ही पेशाब कर देती है। तो हुजूर जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ पर पेशाब कर दिया करता था, तो हुजूर जो काम मैं अपनी माँ के साथ करता था तो वही काम अब माँ मेरे साथ करती है, तो हक तो अदा हो गया ना। तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि नहीं दोस्त, कोई हक अदा नहीं हुआ। तो उसने कहा कि कैसे हुजूर, जो काम मैं माँ के साथ करता था अब वही काम माँ मेरे साथ करती है, कैसे हक अदा नहीं हुआ, मैं भी अब वही सारी ड्यूटीज़ कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि हज़रत उमर पहले मुस्करा रहे थे, फिर हज़रत उमर रोने लगे और उससे कहा कि तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फ़र्क है। जब तू माँ पे पेशाब करता था तो माँ कहती थी कि अल्लाह मेरे लाल को लंबी उम्र दे दे, और जब माँ तेरे ऊपर पेशाब करती है तो कहता है कि अल्लाह बूढ़ी होगी इसे पर्दा अता फरमा। तू तो पर्दे की दुआएं मांगता है, माँ ने भी कभी दुआ मांगी है? तू तो कहता है कि अल्लाह बड़ी बूढ़ी होगी या बाथरूम भी नहीं जा सकती है, अल्लाह इसे संभाल ले, और माँ ने भी कभी ये दुआ मांगी है तेरे लिए? तो आपने कहा यह फ़र्क है, तू अपनी माँ की पर्दे की दुआएं मांगता है, माँ ने भी कभी मांगी है? तो कहते हैं कि जब उस शख्स ने यह सुना तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा हुजूर आप सही कह रहे हैं, हाँ माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो बच्चे जितने भी हों, 8 हों या 10 हों, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाते हैं। कभी ऐसा हुआ है? आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को नोटिस करें, आप देखें, आप अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोस में देखें, अपने इलाके में देखें, अपने शहर में देखें कि कहीं किसी माँ ने ऐसा किया हो कि उनके बच्चे ज़्यादा हो गए हों, मतलब कि 8वें बच्चे को उसने रोटी दी हो और वो 5वें को भूल गई हो, 5वें को उसने कपड़े दिए हों पहनने के लिए, पहले को भूल गई हो, कभी ऐसा हुआ है? भाइयों यही तो फ़र्क है ना, यही फ़र्क है औलाद की सोच में और माँ बाप की सोच में। माँ बाप ने कभी अपनी औलाद से किसी चीज़ का हिसाब ही नहीं लिया। याद रखें ये मेरी बात, आप लिख लें, कभी भी अपने माँ बाप से अपनी कमाई के बारे में हिसाब न लेना। अगर माँ बाप हिसाब लेने बैठ गए ना, एक दिन का हिसाब लेने बैठ गए ना अपनी कमाई का, तो तुम पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला, मैं दुआगा हूँ रब्बिल अज़ल से कि अल्लाह हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, अपने वालिदैन की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दीन के हवाले से जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ ज़ुहैब मंजूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।